निजी बस चालक जो अपने रूट पर नहीं चलेंगे उनके खिलाफ खट्टर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने चंडीगढ़ में विभाग के विनियामक विंग के सभी अतिरिक्त उपायुक्त सह आरटीए अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निजी बसों को उनके निर्धारित मार्ग पर चलवाना सुनिश्चित किया जाए। जो भी परमिट धारक अपने रूट पर नहीं चलते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने चंडीगढ़ में विभाग के विनियामक विंग के सभी अतिरिक्त उपायुक्त सह आरटीए अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकतर निजी बसें अपने निर्धारित मार्ग पर नहीं चल रही हैं और इस संबंध में लोगों से निरंतर शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए संबंधित आरटीए परमिट धारकों को बुलाकर समझाएं और यदि वे फिर भी अपने मार्ग पर नहीं चलते हैं तो उनके चालान किए जाएं। उन्होंने कहा कि महीने में कम से कम एक बार स्कूल बसों की चेकिंग भी की जाए और यदि कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित बस मालिक या चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। परिवहन मंत्री ने कहा कि कुछ जिलों में सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का ठीक ढंग से निपटान नहीं हो रहा है, अतः संबंधित अधिकारी निजी तौर पर ऐसी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और लाइसेंस सस्पेंशन के मामले में 25 जून से पहले लंबित मामलों का निपटान करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा ओवरलोडेड वाहनों की चेकिंग के दौरान आरटीए अधिकारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने सीएजी और पीएसी के ऑडिट पैरा के संबंध में भी तुरंत अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केएमपी एक्सप्रेस वे का दूसरा भाग भी शीघ्र चालू हो जाएगा। इस पर एक्सप्रेस वे पर किसी भी हालत में ओवरलोडेड वाहनों को चलने नहीं दिया जाएगा, अतः संबंधित अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि केएमपी एक्सप्रेस वे पर ओवरलोडेड वाहन न चलें। उन्होंने कहा कि जिला सड़क सुरक्षा कमेटी में 2 विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। ऐसे व्यक्ति सड़क सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखते हों, उनकी साफ छवि हो, वे सामाजिक रूप से सक्रिय भी हों। उन्होंने संबंध में अधिकारियों को 25 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।